नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं कटिहार का मूलतः रहने वाला हूँ और आज मैं आपके सामने आया हूँ जो आलोक कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म बिहार एट द रेट 1325 किलोमीटर उसके बारे में बात करने के लिए। ये छठ से संबंधित है और छठ की जब बात होती है तो हर बिहारी का एक भावनात्मक जुड़ाव है इस पर्व के साथ और मैं इसी के बारे में आप सबसे आज रूबरू हो रहा हूँ। ये जो फिल्म बनाई जा रही है ये उन व्यक्तियों के बारे में है जो बिहार से दूर रहते हैं और छठ के समय अपने घर आना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था दिल्ली विश्वविद्यालय में और जब भी घर आना चाहता था छठ के समय में तो उस समय टिकट मिलना कितना मुश्किल होता था और मुझे याद है कि हम अगर एक या दो बर्थ भी दोस्तों का मिल जाता था, साथ में कोई जा रहा है तो हम सब उसके साथ लद के चले जाते थे और लेकिन छठ में ज़रूर पहुँचते थे क्योंकि छठ में जाना हमारे लिए एक, जैसा मैंने कहा कि भावनात्मक पहलू हुआ करता था और आज भी बिहारियों के लिए छठ ऐसे ही बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो फिल्म लघु फिल्म बनाई जा रही है आलोक कुमार के निर्देशन में ये इसी से संबंधित है और इसमें जो गाना है वो मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। यह गाना प्रीति मिश्रा जी के द्वारा रचित है और उन्होंने ही गाया है। इस गाने को सुनकर मुझे छठ की जो धुन है वो ऐसे भी इतना इमोशनल होता है तो ये गाना सुनकर बहुत ही मज़ा आया और मैं पूरे टीम को, जिसमें कि आलोक हैं, दीपांशु ने एडिटिंग किया है, प्रीति जी ने गाना गाया है और कटिहार के बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो मैं सबको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जब ये फिल्म आए तो खूब से खूब देखें, इसका आनंद लें और जो लोग वहां पहुंच पा रहे हैं छठ के समय में उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं और अपने बिहार को याद कर रहे हैं, अपने पर्व को, इस पावन पर्व को याद कर रहे हैं, वो भी देख कर बिहार को याद करें, छठ को याद करें और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सब सौ कठिन छै छठी के बरतिया करब क्षमा मैया सुन लेब अरजिया सब सौ कठिन छै छठी के जी।